टिब की दुनिया का कदीम और जाना पहचाना नाम गुलजार सेहत दवाखाना रजिस्टर्ड हर बीमारी की शाफी इलाज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम राशिद महमूद अलवी। आज का मेरा मौजू है बवासीर, जिसको पाइल्स और हेमोराइड्स भी कहते हैं। ये मर्ज सोदावी है, यानी गर्मी और खुश्की से होता है। इसकी दो अकसाम हैं, खूनी और बादी। दोनों अकसाम में मसे हो सकते हैं और मसों की शक्ल व सूरत के लिहाज से 7 अकसाम हैं। फिर इनकी आगे दो अकसाम हैं, एक वो जिसके अंदर सुराख होता है और खून और टीप रस्ती रहती है, दूसरा वो जिसके अंदर सुराख नहीं होता और खून और जर्द रंग का पानी खारिज नहीं होता। बवासीर में आंत का आखिरी हिस्सा फूल जाता है और तकलीफ के बायस मकत पर वर्म आ जाता है। आंतों की रगों के फूल जाने की वजह से पाखाने का रास्ता तंग हो जाता है, जिसकी वजह से कब्ज की शिकायत रहना शुरू हो जाती है। मकत के मकाम पर दर्द, खारिश और जलन रहती है। ये इंतहाई तकलीफ दह मर्ज है। इसके बहुत सारे असबाब हैं, गर्मी की शिद्दत की वजह से, हाजमे की खराबी की वजह से, दायमी कब्ज, सकील, तुर्श, मुरगन गजाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, गैर मतवाजन खुराक, तेज़ जलाब आवर अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल, सुस्ती और काहली, डिप्रेशन, पानी का इस्तेमाल कम करना, खाना खाने के फौरन बाद सो जाना, बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले या बैठकर काम करने वाले लोगों, ख्वातीन में बंदश हैज और हमल के दौरान बवासीर हो सकती है। नाज़रीन, बेकरी मसनूआत, कोल्ड ड्रिंक्स, शराब नोशी वगैरह से भी बवासीर हो जाती है। इसमें परहेज़ का बहुत अमल दखल है। परहेज़ बहुत ज़रूरी है और परहेज़ किन चीज़ों से करनी चाहिए, उनमें गर्म अशिया, ज़्यादा गोश्त वगैरह, शराब नोशी, सुर्ख मिर्च, बैंगन, अरवी, चाय, अंडा, बहुत ज़्यादा चलने फिरने और वज़न उठाने से परहेज़ करना चाहिए। इसमें गज़ा हल्की फुल्की जूद अज़म खानी चाहिए, शोरबे वाले सालन और सब्ज पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, टींडा, तोरी, कद्दू, लौकी, दाल, मूंग वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, एक बात जहन में रखें कि बवासीर का खून जो है वो फौरन बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका खून फौरन बंद करने से दिल, दिमाग और जिगर पर मुज़र असर पड़ता है, जिसकी वजह से ख़तरनाक और मुहलक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ऐसी हालत में मरीज़ को मुकम्मल बेड रेस्ट दें और मरीज़ के पाँव ऊँचे करके उसको लटा दें, इससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नुस्खा नोट फरमा लें। आंबा हल्दी 10 ग्राम, मुसब्बर 10 ग्राम, मग़्ज़ तुख्मे नीम 10 ग्राम, मग़्ज़ बकायन 10 ग्राम, चास्कू बरियां कहते हैं उसको, थोड़ा सा गर्म कर लेने को, वो 5 ग्राम, उसको फ्राई पान में, चास्कू को फ्राई पान में रखेंगे, थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तो वो भून जाएगा, वो उसको बरियां कहते हैं। उसके बाद गूगल 5 ग्राम, कथ सफ़ेद 5 ग्राम और पोस्त रेठा खाकस्तर, यानी रेटे का जो छिलका होता है उसको भी थोड़ा सा जला लेना है फ्राई पान में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको पीस के सफूफ बना लें और सफूफ बनाने के बाद मूली का पानी लें, मूली को अच्छे तरीके से धो लें और पत्तों समेत उसको कूट के उसका पानी निकाल लें और उस पानी के अंदर ये नुस्खा गूंद के काली मिर्च के बराबर गोलियां बना लें। 1 से 2 गोलियां मर्ज की कंडीशन के मुताबिक, 1 या 2 गोली सुबह नाश्ते के बाद और इसी तरह 1 या 2 गोलियां रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह लजीज़ बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।